एंड वेलकम टू बीट ऑन बुलेटिन. दिस इज मी सिमरन हंस एंड यू आर वॉचिंग गूगल बॉलीवुड. सो बात करते हैं बॉलीवुड की हॉट एंड हॉट अपडेट्स के बारे में. बॉलीवुड के सबसे हॉट अपडेट है खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की ओर से. जी हाँ, अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी लक्ष्मी बम का फर्स्ट लुक सामने आया है. जी हाँ, अक्षय कुमार ने रिसेंटली अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी इस मूवी का फर्स्ट लुक शेयर किया है. वहीं आपको बता दें कि ये मूवी साउथ की सुपरहिट मूवी कंचना का रीमेक है. हाल ही में अक्षय कुमार ने अनाउंसमेंट की थी कि वो जल्द ही ये मूवी लेके आ रहे हैं. वहीं इस मूवी की रिलीज डेट भी फाइनल हो चुकी है और 5 जून 2020 को ये मूवी आपके सामने होगी. वहीं इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है राघव लॉरेंस. और अक्षय कुमार के कैरेक्टर की बात करें तो अक्षय कुमार एक किन्नर के रोल में इस मूवी में नजर आएंगे. वहीं इस लुक को उनके फैंस के द्वारा काफी अप्रिसिएशन भी मिल रही है. इसके अलावा आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन भी इस मूवी में नजर आ सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड बात करें बॉलीवुड के गली बॉय यानी रणवीर सिंह की, तो जहां वो अपनी दमदार परफॉर्मेंसेस और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं रणवीर सिंह ने हाल ही में ये प्रूव किया था कि वो अच्छे सिंगर भी हैं. जी हां, अपनी बॉलीवुड मूवी गली बॉय में उन्होंने अपना टाइम आएगा गाना गाकर ऑडियंस का दिल जीत लिया. वहीं आपको बता दें कि उनकी अपकमिंग मूवी 83 में भी वो गाना गा सकते हैं. जी हां, फिल्म मेकर्स ने रिसेंटली ये कहा है कि रणवीर सिंह इस मूवी में भी गाना गा सकते हैं. और आपको बता दें कि ये मूवी 1983 में जीते गए क्रिकेट वर्ल्ड कप पर बेस्ड है, जिसमें रणवीर सिंह कैप्टन कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं. अब देखना यह होगा कि रणवीर सिंह इस मूवी में कैसा गाना गाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस इस मूवी में उनके फैंस को कितनी पसंद आती है. बात करें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की, जो कि अपने शो के साथ साथ मूवीज देख के भी अपने फैंस को हंसा चुके हैं. जी हाँ, कपिल शर्मा अपने फैंस को हंसाने में कोई कमी नहीं छोड़ते और हाल ही में उन्होंने एक और अचीवमेंट हासिल करके अपने फैंस को खुश करने की ठान ली है. जी हाँ, कपिल शर्मा को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने नवाजा है इंडिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कॉमेडियन के रूप में. जी हाँ, ये तो हमें पता ही है कि कपिल शर्मा के फैंस इंडिया में बहुत ज्यादा हैं और हर घर में कपिल शर्मा का शो देखा जाता है. वहीं आपको बता दें कि इस बात की जानकारी उनकी वाइफ गिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके दी. जैसे ही उन्होंने ये इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, वैसे ही कपिल के नियर्स एंड डियर्स और उनके फैंस ने ये पोस्ट भी शेयर कर दी. इसके अलावा बात करें द कपिल शर्मा शो की, तो इस शो में जल्द ही नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी भी हो सकती है. बात करें बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार की जो कि लगभग हर लड़के का रोल मॉडल है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग ब्रदर यानी सनी देओल की, जिन्होंने अपनी मूवीज के साथ साथ अपने रौबदार अंदाज से भी फैंस के दिलों पर बहुत राज किया है. जी हाँ, सनी देओल की मूवीज के डायलॉग आज भी डेली बातचीत में बोले जाते हैं. वहीं उनके फैंस भी उनको काफ़ी प्यार करते हैं. जी हाँ, हाल ही में सनी देओल ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की है. जी हाँ, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है. वहीं आपको बता दें कि के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. जी हाँ, सनी देओल को नोटिस भेजा है इलेक्शन कमीशन ने. इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी प्रचार कर रहे थे. आपको बता दें कि इलेक्शंस के 48 आवर्स पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और प्रचार करना बंद कर दिया जाता है. वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सनी देओल स्टिल प्रचार कर रहे थे. इसके अलावा आपको बता दें कि सनी देओल गुरदासपुर सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं. बात करते हैं एक ऐसी टीवी सीरियल एक्टर की जो कि अपनी परफॉर्मेंस और एक्टिंग की वजह से ऑडियंस का दिल जीत चुकी हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीना खान की, जो छोटे पर्दे पर तो राज कर चुकी हैं, वहीं वो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. जी हाँ, हीना खान रिसेंटली कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची, जहां उन्होंने अपनी बॉलीवुड डेब्यू मूवी लाइन्स का पोस्टर शेयर किया. वहीं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस मूवी का पोस्टर शेयर किया और लिखा कि बीच की सीमाएं भावनाओं को नहीं बांटती हैं. वहीं आपको बता दें कि इस मूवी की शूटिंग ज्यादातर जम्मू में हुई है और ये मूवी नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी. अब देखना ये होगा कि छोटे पर्दे पर राज कर चुकी हीना खान बॉलीवुड में कैसा काम करती हैं और उनके फैंस को उनकी ये परफॉर्मेंस कितनी पसंद आती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज मी सिमरन हंस साइनिंग ऑफ. सी यू गाइस इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बीट ऑन बुलेटिन. टिल देन कीप वॉचिंग गूगल बॉलीवुड.